हेलो बच्चों से बच्चों गुड आफ्टरनून। ओके बेटा, आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की मैथ के साथ आज आपका टॉपिक है अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने आपको सवाल नंबर 16 तक पढ़ाया था। ठीक है, उसमें से कुछ सवाल आपको होमवर्क में दिए थे। अगर किसी बच्चे को होमवर्क के सवाल नहीं आए तो सबसे पहले वो क्वेश्चन कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट 15 नंबर और वही। तो कल की क्लास में एक 15 नंबर होमवर्क था, वो कंफ्यूजन में। और कोई कंफ्यूजन में है? बाकी सारे आ गए थे? ठीक, तो देखिए 15 नंबर देख लेंगे, फिर क्लास को कंटिन्यू आगे रखेंगे 17 नंबर से। ठीक है, तो देखिए 15 में क्या लिखा हुआ था। लिखा है प्रवणता दो वाली। तो प्रवणता सबसे पहले दिया था प्रवणता। प्रवणता क्या होता है आपका? dy/dx यानी m वही होता है आपका। ठीक है, ये आपको कितना दिया है? स्पर्श रेखा की प्रवणता ये होती है। ठीक है, ये दो दिया है। आगे स्टेप में बोला है समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र वक्र दिया है आपको y बराबर 1/x-3। आगे लिखा है x बराबर नहीं होना चाहिए 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले इसका अवकलन कराएंगे क्योंकि आपके ऊपर dy/dx दिया है। ठीक है, फिर बिंदु निकाल लेंगे और बिंदु निकालने के बाद स्पर्श रेखा के समीकरण फार्मूला क्या होता है स्पर्श रेखा का? स्पर्श रेखा का समीकरण फार्मूला होता है y-y1/dy/dx x-x1। ठीक है, आपको इसकी सहायता से बिंदु निकालने में वाई और एक्स के बिंदु निकाल लोगे फिर रख दोगे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो बिंदु निकालने के लिए यहाँ पर अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका dy/dx बराबर। यहाँ पे अंश और हर का फॉर्मूला लगा सकते हो या एक काम करो अभी अवकलन ना करो यहाँ y, इसको थोड़ा और इजी कर लेते, इसको ऊपर भेज दो। ठीक है, इसको बेटा ऊपर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा इन्वर्ट में x-3 ये इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अवकलन कराओ। तो अवकलन कराओगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर -1 आगे आएगा। ठीक है, क्योंकि -1 आगे आ जाएगा आपका ये, और ये हो जाएगा आपका x-3-2। कैसे आया पता है? x^n का फॉर्मूला लगा है। ओके, ये तो बेसिक नॉलेज का अवकलन तो होगा ये सब बच्चों को ना। अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो पहले dy/dx कितना दे रहा है 2, यहाँ पे रख दो 2 बराबर में माइनस, या अपॉन में नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसका हम गुणा कराते हैं इधर x का मान निकालने के लिए तो ये हो जाएगा बेटा 2 और x-3² बराबर माइनस का होल। इसके होल स्क्वायर a² - a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो खोलोगे तो क्या हो जाएगा, पहले 2 को बाहर कॉमन ले लो, x² + 3 + 9 और माइनस का ax = -। ठीक है, 2 से अंदर गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x² + 9 = 18 और 6 × 12x और बराबर में -1। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक, अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते, कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले बात है यहाँ पे जो सबसे पहले देखो हम यहाँ दे देंगे, सुनो हाँ, अगर गुणा नहीं कराएंगे तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखो -1 आया है, तो जो गुणनखंड होता है उसका लिखने का तरीका क्या होता है, ax² + bx + c = 0 ये होता है हमारा। ये फॉर्म इसमें बन नहीं रही, बनना है कुछ नहीं बनना, तो सिंपल सी बात है इसमें x का मान निकालना असंभव है। ठीक है, थोड़ा और ट्राई करना चाहो, देखो यहाँ से ही समझ जाना वैसे। ठीक है, यहाँ से इसमें लिख देना कि x का मान निकालना असंभव है। ठीक है, और लेकिन थोड़ा और ट्राई करोगे तो क्या कर सकते हो, अगर ट्राई करना चाहो तो कर लो। क्योंकि देखो यहाँ पे आगे देख लो, 2x² लिखा है, 2x² लिखा है माइनस का 12x और प्लस का 18। अगर भाई जीरो बनाने क्या नियम लगा सकते हो, 1 को इधर ला सकते हो। ठीक है, चलो 1 को यहाँ ले आओगे, इधर माइनस का हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा। ओके, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल में 0। चलो क्या हो जाएगा, 2x² - 12x कितना हो जाएगा 19। ठीक है, अब बराबर में 0 निकालने का तरीका क्या होता, 2 इसका गुणा कराओ कितना हो जाएगा 19 × 38 हो जाएगा। ठीक है, और 38 गुणा करने पर 38 होना चाहिए और यहाँ पे जोड़ने पर 12 आना चाहिए। चलो बताओ ऐसी कोई संख्या ढूंढ बताइए, जैसे कोई ऐसी संख्या है जिसको गुणा करने पर 38 है जोड़ने पर 12 है, चलिए जल्दी बताइए।
पता ही है, कोई ट्राई करिए। नौ दूना कितना बज जाएगा? 38। कोई ऐसी है टेबल? 38 जिस टेबल में आता है, किस पार्ट में आता है? 19 दूना 38, ठीक है। और इससे छोटा कोई आता है? नहीं आता है, ठीक है। पर दो में तो आता ही है, दो में तो सब कुछ आता है, ठीक है। जितनी सब संख्या वाले होते सब आते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर गुण में खंडना असंभव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? यक्ष का मान ज्ञात करना असंभव है, ठीक है। अतः वक्र पर, अतः वक्र पर ऐसा या ऐसी कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी होगी जिसकी प्रवणता ठीक है। अब यहाँ पे एक्स वाई के जो मान ही नहीं निकल रहे हैं तो आप प्रवणता कैसे बता सकते हो इसकी होगी, ठीक है। जब एक्स वाई मान निकलेगी तो निकल गया आप निकल, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा इक्वेशन, ओके। तो फिर इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 17, ठीक है। कहने को 17 में क्या लिखा हुआ है देखिए, कैसे रूप में देखेंगे। कैसे स्थिति ये है कि वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आगे दिया है y स्क्वायर बराबर 4 ब्रैकेट में लिखा है x माइनस 1 आगे लिखा हुआ है इसमें आपको क्या क्या करना है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो हमारा क्या होता है? वक्र जब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं क्या होता है? एक दूसरे को बराबर जीरो।
एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो क्या होता है M1 बराबर M2 यानी फिनाइट बराबर इनफिनाइट। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ओके, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके, मेरा देखते हैं सवाल नंबर आपका 18। ठीक है, देखो 18 क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है सिद्ध की वक्र दिया है x बराबर a। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आपको ये दिया है। ठीक है, a cos b माइनस का cos 2t। ठीक है, और तथा y बराबर दिया a 2 sin t माइनस का 2 sin 2t। और आगे लिखा है t के बिंदु पर स्पर्श, तो यहाँ पे x नहीं है, t है, जो भी होगा वो t के सापेक्ष होगा, अपन भी t के सापेक्ष होगा। ठीक है, क्योंकि समीकरण एक वाई बराबर है हमारा ए टू साइन थ्री माइनस टू साइन। ठीक है, ये है आपका। देखो एक बार सवाल देख लो सही होते हैं, सवाल देखो एक बार सही होते हैं जी सर। हाँ, ठीक है, सवाल गलत था थोड़ा सा, ठीक है, आप देखो सही नोट है। अवकलन अवकलन करने का, ठीक है, हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए को बाहर ले लेंगे, दो का कराएंगे नहीं, इसको भी आप ऐसे बाहर लेंगे, कॉस टी का होता है माइनस का, यहाँ माइनस का साइन टी, आगे माइनस लगा माइनस लगा, कॉस टी का कराएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस का साइन टी होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर हो जाएगा साइन टी, टी में क्या है टू टी। अब ये दो का कराएंगे तो ग्राम में दो आएगा, तो हमने बुला के दो करा दिया। फिर ये आएगा अवकलन होगा जब पहले का अवकलन कराएंगे। ठीक है, तो तुम्हारा लिखना तो इसको आगे से पीछे लिख सकते हो। ठीक है, और दो को कॉमन भी ले सकते हो, यहाँ पर डी एफ अपॉन डी टी बराबर दो को कॉमन ले लो, ए ऑलरेडी आपके बाहर बाहर ही है, इसको लिख देंगे दो साइन टू टी माइनस का दो को कॉमन ले दो को नहीं लिखना है, और यहाँ पर साइन ये हो जाएगा। ठीक है, अब कराएंगे समीकरण दो का अवकलन। ठीक है, यहाँ पर लिखना आपको समीकरण दो का टी के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन अवकलन करने का, चलो टी के सापेक्ष कर दो, इसका कहाँ उतना हमेशा वाई का कराएंगे तो हमारा डी वाई अपॉन में टी के सापेक्ष है, तो डी टी हो जाएगा बराबर में ए को बाहर ले लेंगे। ठीक है, ए को यहाँ लिख देते हैं, दो को बाहर लेंगे, यहाँ पे साइन टी का क्या होता है कॉस टी लिखेंगे और माइनस साइन टी का साइन टू टी का नहीं कॉस टू टी हो जाएगा, दो का कराएंगे तो गुणांक में आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ओके, यहाँ तक समझ है। अब आपको देखो जब ये हम कराते हैं जो इस पर देखा था समीकरण होता है वो क्या होता है वाई माइनस वाई वन इक्वल में डी वाई और डी एक्स होता है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी भी डी वाई और डी एक्स। डायरेक्ट लिखे, ऊपर ले जाओ तो ग्राउंड में क्या हो जाएगा
डीटी अपॉन डीएक्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये थोड़ा समझना है तुमको। आगे बढ़ेंगे, ये आपका इसको ऊपर लिखने का तरीका ए, और इससे भी दो कॉमन ले सकते हो, ठीक है, तो अगर इससे भी दो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो दो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या है आपका कॉस की, आप लोग एक लाइन बढ़ा देते हैं, आप एक और लाइन लिख देना, ठीक है, दो कॉमन लेकर लिख देना, कॉस की माइनस का कॉस टू और थ्री, नीचे बचेगा इसको तीन को दो ए, यहाँ पर साइन टू थ्री माइनस का साइन किया जाएगा, दो ए कट जाएगा, यहाँ पे डी टी डी कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका बचेगा वो बचेगा जी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस थ्री माइनस का कॉस टू थ्री अपॉन में साइन टू थ्री माइनस का साइन थ्री, ये बचेगा यहाँ, ठीक है। अब ये जो इस फॉर्म में आ गया है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, ये हो गया हमारा कॉस थ्री माइनस कॉस थ्री, नीचे हो गया साइन थ्री माइनस साइन थ्री, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। अब कॉस थ्री साइन थ्री का फार्मूला क्या होता है सबको पता है या नहीं पता है? पहले तो ये यस सर, चलो खड़ी हो, आप ही खड़ी हो गया सर, चलिए बताइए कॉस थ्री माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या होगा? टू कॉस टू कॉस सी प्लस डी बाई इस वाले में भी कॉस वाले में क्या होता है आपका साइन साइन होता है, इससे कॉस वाले में ही थ्री माइनस थ्री होता है माइनस हाँ, ठीक है, कॉस है माइनस वाले प्लस वाले में लिखा है, ओके, तो इस वाला रख देंगे यहाँ पे, हमने सब लिखा है आप लोग लापरवाही का नतीजा है, और उसमें यहाँ पे देखो फार्मूले इसको लिख देंगे हम बनाएंगे आगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका पहले डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर ये हो जाएगा आपका टू साइन सी, सी आपका टी का काम करेगा, डी हमारा यहाँ पे टू टी का काम करेगा, यहाँ पे जाएगा बेटा टी प्लस टू टी अपॉन में टू इंटू साइन, ठीक है, क्या हो जाएगा डी माइनस सी, तो डी में लिखना है आपका टू टी माइनस टी अपॉन में टू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ओके। नीचे की बात कर लें, नीचे वाला फार्मूला ये लगाएंगे साइन वाला ना, तो साइन वाला क्या होता है टू कॉस सी प्लस डी, सी में कितना है आपका टू टी प्लस का टी अपॉन में टू, और टू में क्या है साइन साइन सी माइनस डी, सी में कितना है टू टी माइनस में टी अपॉन में टू, चलो इसको भी यहाँ पर कर दो, ये कट रहा है, ओके कट जाएगा ना। अब इसकी बात कर लें तो यहाँ पे दो दो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा डी वाई अपॉन डी एस बराबर साइन अपॉन कॉस, ठीक है, तो एक और लाइन चले जाते हैं, साइन ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखो भाई टू टी और टी थ्री टी, ठीक है, यहाँ पर जाएगा थ्री टी अपॉन में टू, नीचे जाएगा कॉस थ्री टी अपॉन में टू, ये हो जाएगा, तो मैं यही छोड़ दो कोई दिक्कत, ओके आप यही छोड़ दो, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं टेन थ्री टी अपॉन टू, जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे आगे, आप देखते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण इसमें निकालते हैं, ठीक है, तो अब क्या निकालना है आपको स्पर्श रेखा का समीकरण,
चलो फार्मूला क्या होता है बताइए, इस पर रेखा का समीकरण फार्मूला क्या होता है? साई खड़े इसी, हाँ बताओ बताओ तो y माइनस वाई वन बराबर b अपॉन dx, हाँ आगे आप देखो यहाँ पे, अब y देखो दो बिंदु होते हैं वो x कमा y में होते हैं ना, तो आपके पास x दिया है ये x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 का काम करेगा, ठीक है, निकालना की जरूरत नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सारे बिंदु रख दो, तो y थोड़ा यहाँ से कर देते हैं, y y1 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, a टू साइन t माइनस साइन टू t, ठीक है, यहाँ पे हो गया बराबर dy पॉइंट dx, अभी आपने निकाला था, क्या निकाला था, साइन थ्री टी अपॉन टू और इंटू में क्या था, कॉस थ्री टी अपॉन, और यहाँ पे x माइनस x वन में कितना है बेटा, a यहाँ पे मजले ब्रैकेट का यूज कर लेना, a टू कॉस टी माइनस कॉस टू टी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन को करेंगे तो इसका कितने गुणा करा दो इसमें, ठीक, इसका जब इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई कॉस थ्री टी बाई टू, और उसके बाद इसमें कराएंगे तो इसमें दो काम करेंगे हम, इसका गुणा कराएंगे साथ में ए का भी गुणा कराएंगे, ठीक है, चलो लोग ना जरा, तो यहाँ से इसका गुणा करा रहे हैं, इधर हम ए का करा रहे हैं कि कन्फ्यूजन हो, चलो एक एक स्टेप कर दे, पता लगे कन्फ्यूजन में सवाल को कर दो, ठीक है, एक एक स्टेप कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग सवाल है ना, देखो यहाँ पर वाई माइनस सॉल्व कर लो, ए का गुणा कराएंगे पहले क्या हो जाएगा बेटा, टू ए साइन टी हो जाएगा, फिर ए का इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए साइन टू टी हो जाएगा इक्वल, इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं पहले, यहाँ पे साइन थ्री टी बाई टू नीचे हो जाएगा कॉस थ्री टी बाई टू, इसको देखो यहाँ पे एक्स ऐसे लिख दो माइनस ए का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, टू ए कॉस टी माइनस माइनस प्लस ए कॉस टू टी, ये हो जाएगा, अब गुणा करा लो, ठीक है, कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो, नीचे इसका गुणा कराएंगे वाई में, क्या हो जाएगा वाई कॉस थ्री टी बाई टू, ठीक है, और फिर इसमें कराएंगे इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2a, ठीक है, 2a साइन टी और इंटू में कॉस थ्री टी और बाई में ये हो जाएगा, जो गुणा कराएंगे, ओके, आप इसका इसमें करा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका a कॉस थ्री टी अपॉन में ये करें 2a साइन टू टी, ये हो जाएगा, तो कन्फ्यूजन किसी को, अब बराबर आगे गुणा करा दो इसका, ये हो जाएगा यक्स साइन थ्री टी बाई टू और कुछ नहीं होगा, अब नेक्स्ट वाले में कराएंगे तो माइनस इसका इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, टू ए साइन थ्री टी बाई टू और इनटू में कॉस टी, आगे वाले में कराएंगे तो प्लस है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कॉस टू टी और इनटू में साइन थ्री टी बाई टू, देखो बूढ़े में आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो, कन्फ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे टू टी थ्री टी आगे पीछे घूम कर रहे हैं, ठीक है, ये कन्फ्यूज मत होना, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे पीछे थ्री टी कर दिया यहाँ पे आगे कर दिया, कन्फ्यूज मत होना, कुछ भी लिख सकते हो, बुरा है, ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको समीकरण निकालना है, समीकरण निकालने का फार्मूला पता है क्या होता है ना, उसी से निकलना है, तो यहाँ पे जो आपका वाई लिखा है वाई कॉस थ्री टी को बाई में टू लिखा है, ठीक है, बाई में टू है इसको आप लिखा रहे हैं, एक्स वाले को ढूंढो इधर ले आओ, और एक्स एक ही जगह है ना, इसको इधर ले आओ, यहाँ पर प्लस के इधर का आएगा तो माइनस का हो जाएगा एक्स और यहाँ पर साइन थ्री टी अपॉन में टू जाएगा, बाकी अब देखो क्या करना है, ये वाला तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है, बराबर ये वाला उधर ले जाओ क्या हो जाएगा टू ए टू ए टू ए को एक पास करना है, ठीक है, ए ए को पास में करना है, ठीक है, तो टू ए को पास में यहाँ से ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन टी इंटू में कॉस थ्री टी बाई टू, और अब इधर क्या है आपका टू ए कहाँ पर, यहाँ पर है, इधर उधर ही रखेंगे ना, ये माइनस का ही रहेगा, नहीं बेटा माइनस कहाँ होगा, यहाँ पे देखो कॉस थ्री टी है यहाँ पे साइन थ्री टी रहेगा, नहीं 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 कटेगा नहीं, यूनिट देखो सेम यूनिट के साइन कॉस कैसे कट जाएगा, ठीक, माइनस टू ए
साइन 3t बाई 2 इंटू कॉस थी। ओके अब ध्यान दो, ए वालों को पास करना है तो ए वाला हमारे पास एक ऑलरेडी यहाँ पर है, पहले इसको ले लो प्लस ए कॉस, इसको हम पहले लिख लिया साइन वाले को, ठीक है साइन वाले पहले लिख लिया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई, साइन पहले कॉस को पीछे कर दें, ठीक है इसका अपना फार्मूला बन जाएगा ना थोड़ा और आपको अच्छा समझ में आएगा, 3t बाई 2 इंटू में कॉस 3, बाकी आप ऐसे लिखो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का ए कॉस 3t बाई 2 इंटू साइन 2t, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका तो काम खत्म है, इसको पहले फिर से नोट कर दो, इससे वाई कॉस 3t बाई 2 माइनस यक्स साइन 3t बाई 2, ओके बराबर। इसमें से दो को कॉमन ले सकते हैं, टू ए को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है तो टू ए को कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले से, अंदर बचेगा हमारा साइन टी इंटू में कॉस 3t बाई 2 माइनस का साइन, ठीक है साइन साइन 3t बाई 2 इंटू में कॉस, ठीक है अब आगे प्लस, इससे बाहर हम ए कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ए को बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा साइन 3t बाई 2 इंटू में कॉस 2t माइनस कॉस 3t बाई 2 इंटू में साइन 2t, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो फार्मूला बन गया यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, इंटू में आगे पीछे हमने कहाँ पे लिख सकते हो, तो ये फार्मूला हमारा काय बन गया। इसको पहले देखो, ये जो आपका लिखा है इसको आप ऐसे लिख देंगे वाई कॉस 3t बाई 2 माइनस, या फिर जो भी इस तरह का लिखा है इसको आप ऐसे लिख देंगे इक्वल। अब देखो यहाँ पर जो ए हमारा बाहर है, यहाँ पे देखो यहाँ पे काय का फार्मूला बनना है, यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है आगे पीछे गुणे में लिख सकते हो, ये फार्मूला बन रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन, यहाँ ब्रैकेट लगा दो बदला हुआ, ठीक है हो जाएगा साइन ए, ए में कितना है देखो ए, साइन वाले में जो गुणांक हो वही लिखेंगे, ठीक है टी को ये मानो ये हमारा बी रहेगा, ठीक है यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस 3t बाई 2, ठीक है ये बन रहा है ब्रैकेट बंद। आगे प्लस यहाँ पर ए बाहर है ऐसे लिख दो, अंदर क्या है साइन, देखो यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है तो यहाँ पर भी फार्मूला हमारा क्या क्या बन गया बेटा साइन साइन ए माइनस बी यानी 3t बाई 2 माइनस का 2, ठीक है इसको यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ये हो जाएगा आपका वाई बराबर कॉस 3t बाई 2 माइनस का यक्स साइन 3t बाई 2। आगे देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, दो एकम दो जाएगा, ठीक है यहाँ पे देख लो दो एकम दो जाएगा, दो में से तीन जाएगा तो माइनस का बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर टू ए, यहाँ बचेगा आपका साइन 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 माइनस का टी बाई 2 बचेगा, जब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करो। आगे प्लस ए, यहाँ पे हो जाएगा साइन, ठीक है यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो वो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो दूनी चार चार से तीन जाएगा, माइनस का यहाँ पर भी बचेगा, ओके यहाँ पे माइनस का टी बाई 2 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई वाई बराबर नहीं वाई गुलाम है वाई गुलाम वाई कॉस 3t बाई 2 माइनस यक्स साइन 3t बाई 2 इक्वल, देखो यहाँ पे गुणा करा देंगे माइनस का वहाँ निकालेंगे तो माइनस 2a साइन टी बाई 2, इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा तो a साइन टी बाई 2, माइनस माइनस जुड़ता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले इसको ऐसे लिख दो कॉस 3t बाई 2 माइनस यक्स साइन 3t बाई 2, ये जुड़ेगा तो माइनस का हो जाएगा 3a 2a 8a 3a, ठीक है और ये हो जाएगा साइन टी बाई 2, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा तो वाई कॉस 3t बाई 2 माइनस यक्स साइन 3t बाई 2, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 3a साइन टी बाई 2, ठीक है ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके ये हो जाएगा, ठीक है यहाँ ही कैलकुलेशन कर लेंगे ना सब लोग,
ठीक है। तो ओके आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा देखते हैं सवाल नंबर आपका 90। तो देखो 90 में क्या लिखा हुआ है, 19 में लिखा है वक्र x स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है, प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल 1, ठीक है 1। आगे लिखा उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, बिंदु आपको ज्ञात करना है, ठीक है, जो स्पर्श रेखा जो पहला सवाल दिया है उसमें क्या करना है, x अक्ष के समांतर हो और फिर बोला y अक्ष के समांतर हो। तो पहले x अक्ष y अक्ष दोनों समांतर का समझ लो, बीच में कंफ्यूजन करोगे तो इससे पहले मैं आपको बता दें। देखो सबसे पहले देखो ये आपका होता है, ठीक है, ये हमारा x अक्ष होता है, ये हमारा y अक्ष होता है। पहले इसने बोला है इसको रफली में समझा नहीं, इसमें नोट नहीं करना सवाल है, पहले बता दे रहे हैं x अक्ष के समांतर का है, अक्ष के समांतर, ठीक है। तो समांतर स्पर्श रेखा की बात की है, समांतर देखो स्पर्श रेखा की बात की है, तो स्पर्श रेखा में क्या होता है, dy / dx होता है, ठीक है, जो आपका क्या होता है dy / dx होता है। तो इसमें अच्छा तो dy / dx होगा किसके इक्वल होगा, tan थीटा के, भाई dy / dx tan थीटा होता है। और थीटा की बात करें तो x अक्ष के समांतर है तो ये होगा ना, तो डिग्री कितना बनाएगा, 0 डिग्री का कोण बनाएगा ना, इसके भाई समांतर है तो 0 डिग्री का कोण बनाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 डिग्री, तो ये जाएगा डी वाई पॉइंट डी एक्स बराबर 0, क्योंकि टैन 0 का मान 0 होता है। अब देखो अगर यहीं पे y अक्ष के समांतर कहेगा, क्या कहेगा, y अक्ष के समांतर, चलो अब बताओ क्या हो जाएगा, भाई इसमें भी आपका dy / dx निकलेगा, इतना ही निकलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो y अक्ष पे कहेगा तो ये थोड़ा फर्क है, देखो तो y अक्ष के कहेगा तो ऐसे ऐसे बनेगा ना, देखो लंब हो गया ना, और लंब संपेट कोण बनेगा 90 बनेगा, यहाँ पे tan थीटा बराबर कीजिए 90 आ जाएगा, 90 का मतलब इनफिनाइट, यहाँ पे लिख सकते हैं dy / dx बराबर इनफिनाइट, इनफिनाइट किसके बराबर होता है आपका, नहीं नहीं 1/0, ओके ओके यहाँ तो समझ में आया, पर dx / dy = 0 पर इसको मल्टीप्लाई करा दे इसको, इसका नहीं 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 आप dy / dx dy नहीं दो यहाँ पे देखो dy / dx का मान निकलेगा, पहले तो ये हमारा इसको लगता है ये, ठीक है, इसको आप नहीं कुछ नहीं करेंगे, इसलिए आप कह रहे हो इसका मल्टीपल करा दे या इसको पलट दें, तो पलट के दिया जो हमारा इस पर का समीकरण होता है उसमें क्या होता है, क्या होता है dx / dy होते ही नहीं है ना, हमें तो dy / dy होता है नहीं, तो उसके मतलब ही नहीं है ना, हमें मतलब है dy / dx से, अगर ऐसा आ जाए तो हम लंब की जो प्रवणता होती है इसको नहीं कर सकते, लंब की प्रवणता क्या होती है -1/dy / dx होता है ना, इसको पलट के d, अगर ऐसे होता तो dx / dy इसको लिख सकते थे ना लंब की प्रवणता को, पर ऐसा नहीं, इसका जो अप्रवणता होती है वो dy / dx होती है। अभी कल के सवाल में आपने कल के सवाल में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था कि आपका एक समीकरण निकला था y बराबर निकला था, अभी आज के सवाल में निकला था y बराबर x बराबर निकला था, ठीक है, x बराबर y बराबर निकला था, हमने dy करके dy / dx निकाला था, x / dy नहीं निकाला था ना, जो होता है किस करना है। आप देखो यहाँ पे तो सबसे पहले x अक्ष y अक्ष इन दोनों की बात की है, अब इन दोनों को बिंदु ज्ञात करेंगे, उसके पहले में क्या पता होना चाहिए dy / dx पता होना चाहिए, दोनों में पता होना चाहिए, तो वो पता करने के लिए इसका अवकलन कर लेंगे, ठीक है, चलो इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, भाई एक बटनों को आने लो x स्क्वायर का करोगे यहाँ पे चाहे लिख लो x के सापेक्ष समीकरण x को मान लेना सापेक्ष अवकलन अवकलन करने का, चलिए x स्क्वायर का हो जाएगा 2xy9, ठीक है, प्लस y का हो जाएगा 2y/16 बराबर में हमारा 0, और यहाँ पर dy / y का dx होता है, अगर कट फिट करना चाहे तो कट रहा नहीं है लेकिन यहाँ पे ये कट हो सकता है 2x/16 हो सकता है, ठीक है, dy / dx यानी y dy / dx और ये आप यही रखते हैं, इसको अगर घर में देते हैं माइनस का 2x/9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आज का जोड़ा करा दो y का नीचे करा दो, क्या हो जाएगा आपका dy / dx बराबर 8 × 16 या और y यानी 9y, ओके इतना समझ आया था बच्चों को। आप देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको बताना है पहले x अक्ष के समांतर बताना है फिर y अक्ष के, ठीक है, तो हम लिखेंगे x अक्ष
जो क्वेश्चन में कहा है यस सच क्या हमें क्वेश्चन हां देखो यस अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा समांतर स्पर्श रेखा चलो तब क्या हो जाएगी आपका हो जाएगा डीवाई अपॉन डीएक्स बराबर क्या होगा जीरो होगा हमें पता है डीवाई अपॉन डीएक्स कितना निकला है माइनस 16x अपॉन 9y बराबर में जीरो जब गुणा करा दें माइनस 9y का तो काम खत्म हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आपका क्या निकल के आएगा बताइए गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 16x क्या आ जाएगा यहां से 16x बराबर जीरो माइनस का भी निकल गुणा करा दिया जीरो में रखेंगे तो y का मान निकल आएगा ठीक है यहाँ पर लिखेंगे का मान समीकरण एक में रखने पर चलो एक में रख देते हैं तो एक समीकरण ये ठीक है तो यहाँ पर रख देंगे 0y9 प्लस y2 बचे 16 बराबर 1 0y9 का मतलब क्या होता है 0 ठीक है कंप्लीट जीरो ठीक ये हमारा जीरो हो जाएगा और 16 का तिरंगा करा दें तो क्या हो जाएगा y2 बराबर 16 ठीक है ये वर्ग होता है हमारा 4 का y2 बराबर हम 4 का होल स्क्वायर ले सकते हैं ठीक तो y बराबर हमारा प्लस माइनस का 4 आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे जो बिंदु निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे क्या निकल के आएंगे x हमारा 0 आया था और ये हमारा प्लस माइनस का 4 है चाहे आया ऐसे लिखो चाहे अलग अलग करके लिख दो 0, +4 0, -4 ठीक है ये हमारा हो गया किस पे यस अक्ष पे अब वाई अक्ष की बात किया था ना इसी में तो वाई अक्ष के देख लो वाई अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा का समीकरण ठीक है चलो इसमें क्या होता है आपका इसमें जो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स होता है वो इन्फिनाइट होता है इन्फिनाइट को हम क्या लिख सकते हैं 1/0 ठीक है ये यहाँ से हो गए इसको समझाया कौन आ गया था अब देखो तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर भी कितना निकला था -16/9y = 1/0 16x हाँ 16x गुड अब गुणा कराएंगे इसका तो 9y का 1 में कराएंगे तो 9y आ जाएगा बराबर में 16 की गुणा कराएंगे 0 आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पे ओके इतना समझ आ गया तो बच्चों को तो y बराबर जो यहाँ पे मान निकल के आने वाला है वो 0 निकल के आने वाला है ठीक तो कंफ्यूजन अब का मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है चलो एक में रख दो यहाँ पे y की जगह रखेंगे तो ये जाएगा बच्चा आपका x²(9+0)16=1 ये पूरा जीरो हो जाएगा 9 का पूरा कराएंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा x²(9) आएगा चित्र में सॉल्व करोगे अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 स्क्वायर होता है 3 का यहाँ लिख सकते हैं x²(3)² तो यहाँ x बराबर आ जाएगा +-3 आ जाएगा अब जो आपके बिंदु आएंगे निकल के वो क्या निकल के आएंगे बिंदु से निकल के आएंगे जो y अक्ष पर होगा तो आपका x कितना है +-3 है क्या रहता +-3 है y हमारा 0 है ठीक है ओके यस अक्ष पे आपके बिंदु ये होंगे और y अक्ष पर ये बिंदु होंगे ठीक है ये दो बिंदु पूछे ना आपने बता दें ठीक है तो फिर बेटा आप लोग इसे नोट कर लीजिए फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल इसे समीकरण ठीक है एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं चलो जब समकोण पर काटते हैं तो बताओ क्या होता है
अरे संपूर्ण जो देता ऐसे में ये है संपूर्ण पे काटेंगे ये बनेगा ना 90 बनेगा यानी आपका फार्मूला ये लेने का आया था tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 into m2 आया था फार्मूला 90 बनेगा यानी यहां पे क्या आएगा 90 आएगा tan थीटा बराबर 90 बराबर ठीक है आप यहाँ 1 + m1 + m2 बराबर m1 - m2 upon 1 + m1 + m2 अब इसका जो जीरो को उधरा करा देंगे तो आपको क्या दिया पड़ेगी आप देखो क्या क्या करना है आपको दो से तो वो कट कर सकते हैं डिवाइड का भी यही करने का नाम है क्या हो जाएगा डिवाइड ऑन डी एस बराबर में एक बार का इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस का ये ब्रैकेट हो जाएगा बी स्क्वायर लल का के रूप जब पूरा माइनस कराएंगे वाई का बराबर हो जाएगा वाई हो जाएगा ए स्क्वायर लल का ठीक है ये आपका डिवाइड ऑन डी एस आएगा यही आपका क्या होगा m1 ओके ये क्या है आपका जो भी आपको पता है इस पर से रेखा का जो भाग होती है क्यों जो दायरा में भी लेना बताओ जो आपने के लिखना इस पर रेखा की प्रमाणता उसी को हम कहते हैं आर वो हमारी जो होती है वो हमारी वाई और डी एल बराबर एम एन ठीक है तो इस वजह से हमारा ये कौन हो जाएगा यहाँ पर m1 बराबर माइनस का या अपॉन वाई और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर ललका के वन यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर ललका ठीक है ये हमारा कौन निकल आया है अब क्या क्या निकल आया है आपको m2 निकल आया है तो यहाँ पर क्या करें समीकरण 2 का आप स्टार्टिंग से देखिए और थोड़ा सा आपको समझ में आया ठीक है
इसका भाग करेंगे तो निकल कर होगा। तो यहाँ पे नीचे क्या आ गया, क्या सवाल है, कोई भी मतलब नहीं है, उसको लिखते जाएंगे x स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर a स्क्वायर प्लस का हो गया k प्लस y करेंगे तो y और b स्क्वायर प्लस का k हो जाएगा, dy और dx बराबर है ये हो जाएगा, हो जाएगा ठीक ठीक। अब a रहेगा आपका 2y थोड़ी भी हो सकती है, होनी नहीं चाहिए है ओके देखिए देखो यहां क्या है, स्पर्श रेखा यहां पे भी इतनी नहीं है, देखो जो नहीं है तो यहां भी हमारा क्या होता है एम के बराबर होता है, तो माइनस या और वाई ये जगह की स्पर्श रेखा के रूप और नीचे जाएगा आपका ए बराबर रेखा ये हो जाएगा एम ओके। आप देखो क्या क्या कह रहे हैं कि हमने क्या कहा था, बताइए संपूर्ण पर काटते हैं इसको मान लीजिए पहले समीकरण तीन ठीक है, फिर एक्स वाई के मान के यहाँ पे रखेंगे ठीक है, समीकरण एक दोनों में लगा है तो क्या कर सकते हैं, समीकरण एक माइनस समीकरण दो समीकरण एक क्या है हमारे पास यस स्क्वायर ठीक है, यस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का ए वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का ये है आपका ठीक है। आप जो यहाँ पे क्या कर सकते हैं और यहाँ पे और क्या कर सकते हैं स्क्वायर स्क्वायर ठीक है, अभी समीकरण दो को लिखेंगे, समीकरण दो क्या हमारा यस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का के टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का के टू बराबर वन बदलाते हैं, समय निशान बदल जाते हैं ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं निशान बदल जाएंगे ना ठीक है, बदलेंगे तो उसको देखो गलत अगर माइनस भी करोगे तो भी आपका गलत नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम प्लस कर दें क्योंकि देखो यहाँ पे ठीक जो मान लिया आपको डाल लेना चाहिए यस से वाई के मान निकालने दोनों के निकालने चाहे दोनों को निकालो चाहे एक साथ निकालो प्लस करोगे तो सीधा आपको ये मिलेगी, जोड़ने में माइनस से निशान लगाना पड़ेगा तो नुकसान नहीं लगाना पड़ेगा
इसको जोड़ोगे तो दोनों में कॉमन क्या दो जोड़ोगे कैसे आएगा यस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए वन और प्लस का ये आएगा प्लस का ये आएगा तो प्लस में यस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का के वन आएगा ठीक है प्लस अब इसको लिखेंगे वाई यहाँ प्लस है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का के वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का के टू बराबर में और अच्छा माइनस करने से यहाँ माइनस कर दो ज्यादा अच्छा है आपका वन कट जाएगा ये भी अच्छा है मुझे टू आएगा ठीक कहाँ पे यहाँ ये हाँ हाँ यहाँ पे के टू है ठीक तो यहाँ पर देखो ये कट जाएगा ये भी गलत ठीक हाँ हाँ बिल्कुल साइन यहाँ चेंज होंगे पढ़ाई बात यहाँ चेंज होंगे और यहाँ चेंज ओके ये माइनस यहाँ है अब इन दोनों से देखा जाए तो कॉमन क्या ले सकते हो यस स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो तो अंदर क्या बचेगा यस स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो बचेगा वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस का के वन माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस का के टू ब्रैकेट बंद प्लस तो इसमें से आप वाई स्क्वायर को कॉमन ले लोगे वन अपॉन वन अपॉन ये बी स्क्वायर प्लस का यहाँ पे क्या है के वन ठीक है जाएगा के वन माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस का के टू ये हो जाएगा ठीक है अब हम लोग क्या कर सकते हैं इस वाले पर को उधर ले लो नेक्स्ट वाले में नहीं रखो ठीक है तो यहाँ पे साथ में दो मांगे एलसीएम भी लेंगे ठीक है यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये से स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा ग्राउंड में ग्राउंड मिलेगा ए स्क्वायर प्लस का के वन और इधर जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का के टू ठीक है अब इसका देखो इसे डिवाइड करा देंगे इसे मैं आप आओगे ना इसका डिवाइड से करा देंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर नहीं आता तो इसमें तीन मिलेगा माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का के ये करके दो ठीक प्लस बराबर माइनस का वाई स्क्वायर यहाँ पे लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस का के वन यहाँ पे जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस का के टू आप इसका इधर पूरा कराएंगे तो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का के टू माइनस बी स्क्वायर माइनस का के ठीक है ये हो जाएगा आप यहाँ से देखो तो हमारा ए स्क्वायर ए स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कट जाएगा ओके आप देखो बचेगा क्या ठीक है देखो बचेगा क्या की बात करें हम तो बचेगा वही काम हाँ ठीक है एक काम कर सकते हैं यहाँ पे ये नीचे आपका है ए स्क्वायर प्लस का के वन यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस का के टू बराबर में माइनस वाई स्क्वायर यहाँ होता है के टू माइनस का के वन और नीचे है हमारा बी स्क्वायर प्लस का के वन और इधर है बी स्क्वायर प्लस का के टू ये वाले से कट जाएगा ठीक है आप देखो आप कितने गुणा करा दो वाई का इधर करा दो इसका इधर करा दो तो यस स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर इसका इधर कराएंगे तो माइनस किया जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का के वन इसका गुणा करा ये नीचे वाला इधर ठीक है के वन और यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का के टू और नीचे आपका जो लिखा लिखो बी स्क्वायर प्लस का के वन और क्या लिखा है बी स्क्वायर प्लस का ये लिखा है किसका मान निकल रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का मुझे इसकी जरूरत है ठीक है अब यहाँ पे क्या लिखेंगे का मान समीकरण
तीन में रखने पर तो समीकरण तीन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, यहाँ से देखेंगे अपने बुक में, तो यहाँ पे रखेंगे ना, देख ये क्या है, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का के वन ब्रैकेट बंद, दूसरा ए स्क्वायर प्लस का के टू अपॉन में बी स्क्वायर प्लस का के वन और है आपका बी स्क्वायर प्लस का के टू और इंटू ये इंटू इसको नोट करेंगे, ये हमने नोट किया इसकी जगह, ठीक है, एक्स स्क्वायर कौन वाई स्क्वायर ये स्क्वायर से नोट कर लेंगे, क्या आपका बी स्क्वायर प्लस का के वन और है बी स्क्वायर प्लस का के टू, ये आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसको नोट कर लेंगे, क्या आपका ए स्क्वायर प्लस का के वन यहाँ पर है आपका ए स्क्वायर प्लस का के टू और बराबर में कितना दिया है माइनस का, ठीक है, अब इससे ये पूरा कट जाएगा, इससे ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे माइनस का वन बचेगा, आगे माइनस का वन, ठीक है, माइनस का वन बराबर आ रहे हैं, ठीक है भाई, आपको माइनस का वन होता है ना, यहाँ पे माइनस का वन है, ये क्या है आपके अतः क्या कर रहा है संपूर्ण पर काट रहा है, ओके आया समझ में, ओके आ गया, तो ओके बेटा आज की क्लास और आज की एक्सरसाइज, आज की नहीं दो तीन दिन की एक्सरसाइज, मिलते हैं कल की क्लास में आप लोगों से 7D के साथ, ठीक है, तो 7D आप लोग एक बार खोल लीजिए, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, आप लोग कर रहे हैं करते तो आपको और अच्छा समझ आएगा कि हम बताएंगे, ठीक है, तो वो 7D में जिसको बाद नोट कर लेना, पहले 7D के बारे में सुनो, ठीक है, हम हट जाएंगे बाकी बच्चे इसमें शॉर्ट बोल लेंगे, ठीक है, 7D के बारे में सुन लो, सब लोग अपने बुक से 7D बोलेंगे, 6D, 7D, 6D, 6D, 7D, 6D, तो उसमें क्या है अभिलंब का समीकरण, अभी तक हम लोग निकाल रहे थे स्पर्श रेखा, ठीक है, आपकी जो अभी तक जो हम एक्सरसाइज में कर रहे थे वो स्पर्श रेखा कर रहे थे, आपकी अगली वाले में आपको अभिलंब पे करना है, तो अभिलंब वाला हमने सूत्र बताया था जब हमने सी पढ़ाई थी, तो जो बच्चा नया होगा सी की स्टार्टिंग देख लेगा, तो हमने सूत्र जो अभिलंब का पढ़ाया था कि फ्रंट पर क्या निकल के आएगी बताइए, माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के आया था, जहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स है वहाँ पे आपको अभिलंब की जगह पे माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स लेना है, और सवाल को आप घर से करके आएंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे बाकी हम तो डी कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगर नहीं आता कोई कंफ्यूजन नहीं हम अंदर बताएंगे, बाकी कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है, तो ओके बेटा, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ओके, आज के लिए इतना ही, सब बच्चों से जय हिंद।